हेलो क्लास 12, आज हम चैप्टर 2 पाइथन रिवीजन टूल 2 में हम देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग टेक्निक्स में आपकी पहली टेक्निक्स है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्टिंग में सॉर्टिंग कैसे की जाती है, कोई एक अनसॉर्टेड लिस्ट आपके सामने है और उसको हमें एक सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमें उसे प्रिंट करना है, या उसी लिस्ट में हमको जो एलिमेंट्स है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्लेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द बबल सॉर्टिंग। तो बबल सॉर्टिंग टेक्निक के लिए सबसे पहले हमने एक लिस्ट ले ली है, दैट इज हमने 5, 3, 1, 6, 7 ये हमने लिस्ट एलिमेंट हमने स्टोर कर लिए। तो बबल सॉर्टिंग के लिए मैं कोड लिखूंगी यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिए हुई लिस्ट का हम क्या करेंगे, लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सपोज आर स्टोरिंग एन लेन ऑफ एन, तो लेन ऑफ एन आपका एन में आ जाएगा, मतलब एन अभी आपका कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पर एन की वैल्यू लिख ली। Now we are using the formula for I in range, या रेंज ना लिख के हम जीरो से लेके तो एन तक भी कर सकते हैं, एन तक आपका चले गए, और उसके बाद में हम इनर लूप ले रहे हैं फॉर जे इन रेंज, आपका कहाँ से कहाँ तक चलना है, जे जीरो से लेके एन माइनस आई माइनस वन तक, इनर लूप आपका एन माइनस आई माइनस वन तक के लिए वन है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ जे ऑफ सॉरी एल ऑफ जे, एल ऑफ लिस्ट है, एल ऑफ जे इज ग्रेटर देन एल ऑफ जे प्लस वन, मतलब जीरो कंडीशन का पहली बार में तो जीरो कंडीशन की वैल्यू एक से बढ़ी है, अगर है तो हम क्या करेंगे, तो हम शॉपिंग करेंगे, है ना। तो शॉपिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एल ऑफ जे कॉमा एल ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू एल ऑफ जे प्लस वन एल ऑफ जे, एंड लास्ट में हम कर देंगे प्रिंट। प्रिंट कोड को समझिए क्या हो रहा है यहाँ, आपकी लेंथ है लिस्ट की 5, तो आउटर लूप आपका कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, लेंथ आपकी 5 है तो आउटर लूप आपका क्या चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा, एलिमेंट आपके कहाँ पर है 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट एलिमेंट आपका 4 पोजीशन पर है। अब हम इनर लूप की बात करते हैं, इनर लूप में आप देखिए 0 से बिगिन करके एन माइनस आई माइनस वन है ना, तो एन की वैल्यू यहाँ पर अभी कितनी है, हम पहली बार में बात कर रहे हैं, तो 5 माइनस आई की वैल्यू है 0 और 1, तो मतलब कहाँ कब तक चलेगा, ये भी 4 तक ही चल रहा है, 4 तक मतलब 0 से लेके तो 3 तक चलेगी, बराबर, क्योंकि लास्ट में आप 4 दे रहे हो तो 0 से लेके तो ये कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। उसके बाद आप देखिए, अब पहली बार में इस कंडीशन हम यहाँ पे चेक करें, इफ एल ऑफ जे, एल ऑफ जे मतलब जे की वैल्यू कितनी है, वैल्यू 0 है, 0th लोकेशन की वैल्यू हम चेक करें, जे प्लस वन मतलब 1th लोकेशन, 0 प्लस 1, 1, 1th लोकेशन से बड़ी है क्या, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 0th लोकेशन पे 5 है आपका और 1th लोकेशन पे आपका है 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा, ये देखिए यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है, एल ऑफ जे मतलब 0th लोकेशन पे है ना, और जे प्लस वन मतलब 1th लोकेशन पे, 0th लोकेशन पे कौन सी वैल्यू जा रही है, 1th लोकेशन की वैल्यू जा रही है, और 1th लोकेशन पे कौन सी वैल्यू जा रही है, 0th लोकेशन पे वैल्यू जा रही है, समझ में आया स्वैपिंग। तो इस तरीके से जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी यहाँ पर स्वैपिंग वो डन करेगा, है ना। तो पहली बार में देखिए अब ये दोनों वैल्यू आपके स्वैप हो गए, तो अब क्या हुआ आपका, ये 3, 5, 1, 6, 7 ये अभी आपका है। उसके बाद में अब क्या होगा, जे की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, ये आपका कहाँ तक चल रहा है, ये 3 टाइम चल रहा है पहली बार, तो है ना, तो अब हो गई जे की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1, 2, मतलब जो 1 और 2 ये दो वैल्यू चेक करेगा, अभी हमारा एरर ये सॉरी ये दो वैल्यू वो चेक करेगा, अब ये दो वैल्यू पे भी अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, फिर अब इन दोनों की स्वैपिंग होगी, तो 3, 1, 5 अभी ये सॉर्टेड एरे आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब उसके बाद में कहाँ तक और चलेगा, अब वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 थी, अब हो गई जे की वैल्यू 2, है ना, अब 2 हो गई, तो आगे
में भी ऐसे करेंगे, अब कौन सी वैल्यू को चेक करेगा वो, 0, 1, 2, अब इन दोनों वैल्यू को चेक करेगा। इस तरीके से ये आगे स्वैपिंग होता जाएगा। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा बबल सॉर्टिंग।